आज मैं आपसे डॉगी स्टाइल पोजीशन के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। आप लोगों की फेवरेट पोजीशन, आपको सबसे ज्यादा प्लेजर देने वाली पोजीशन, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की हुई है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। डिफरेंट डॉगी स्टाइल्स के बारे में बताऊंगी, चार तरह की वैरायटी, चार तरह के स्टाइल जो डॉगी पोजीशन में होते हैं उसके बारे में और उसके फायदों के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। डॉगी स्टाइल एक ऐसी पोजीशन जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत आनंदमय होती है। साइज इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता, कोई 6 इंच लेकर बैठा है, 7 इंच लेकर बैठा है या 3 इंच लेकर बैठा है। कोई भी पर्सन इस पोजीशन में किसी फीमेल को, मतलब कोई भी मेल पार्टनर इस पोजीशन में अपनी फीमेल पार्टनर को वो डीप पेनिट्रेशन का सुख पहुंचा सकता है, अंदर तक का टच देने में सक्षम है, क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसी होती है जिसमें डीप पेनिट्रेशन संभव है। आप जी स्पॉट को डायरेक्ट टच कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, उसकी अपर वॉल को फ्रिक्शन दे सकते हो डायरेक्ट। छोटे हथियार के सरताज भी इस पोजीशन का भरपूर मजा उठा सकते हैं और मजा दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन इस पोजीशन की सबसे एक जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो फीमेल होती है थोड़ा सा नाराज रहती है कि यार हमें वो फिजिकल वो इंटीमेसी फील नहीं होती, वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट फील नहीं होता, एक जो एक फिजिकल टच होता है वो महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा कहती हैं कि हाँ चल ठीक है, ये पोजीशन ही ऐसी है, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें इमोशंस को उठाकर साइड कर दिया जाता है, ये रोमांटिक पोजीशन तो बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन आउट का मजा उठाया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस पोजीशन में ज्यादातर जो मेल है थोड़ा सा वाइल्ड हो ही जाते हैं, इसमें कई बार कुछ फीमेल रोने भी लग जाती है, कोई खुशी के मारे तो कोई अरे यार बस करो छोड़ भी दो, ये वाली चीजें इस पोजीशन में देखी जाती हैं। इस डॉगी पोजीशन में की जाने वाली वेरिएशन, अलग अलग स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर वन जो कि सभी लोग करते हैं, ट्रेडिशनल डॉगी स्टाइल, जिसमें जो फीमेल होती है घुटनों के बल अपने बैठ जाती है, फिर एल्बो या अपने हाथ के बल वो इस तरह से झुक जाती है, अपवर्ड जो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे नीचे की तरफ कर लेती है, और जो उसका बैक हिस्सा होता है जो उसका हिप होता है वो उसे ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ उठा लेती है, एक राइट डायरेक्शन में खुद को सेट करती है, राइट एंगल में खुद को सेट करती है, और जो वो राइट एंगल सेट हो जाता है फिर पीछे से उसका जो मेल पार्टनर आता है उसकी एंट्री होती है और वो अपने पीनस की वजाइना में पेनिट्रेट करता है, इन आउट शुरू होता है और दोनों ही मजा उठाते हैं। इस पोजीशन का ऐसा ही होता है। डॉगी स्टाइल पोजीशन में ये वाली जो वेरिएशन होती है, जो तरीका होता है, सबसे ज्यादा घिसा जाने वाला और चाहे जाने वाला तरीका होता है, जो ज्यादातर मेल फीमेल अपने सेक्स के दौरान ट्राई करते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। डॉगी स्टाइल में दूसरी वेरिएशन लेजी डॉगी स्टाइल, जिसमें जो फीमेल होती है वो अपने पेट के बल लेट जाती है, ऐसे नीचे ऐसे करके अपने आप को पूरा लिटा लेती है उस पोजीशन में, और जो मेल पार्टनर होता है उसका पीछे से आके लेटे लेटे उसके ऊपर चढ़कर लेटी हुई पोजीशन में अपने पीनस को उसकी वजाइना में पीछे से इंसर्ट करता है। ये लेजी पोजीशन और बहुत रिलैक्स पोजीशन होती है डॉगी स्टाइल की, जिसे कोई फीमेल बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है। जब वो मूड में नहीं होती यार झुको ऐसे करो वैसे करो, जब वो मूड में नहीं होती तो वो इस पोजीशन को खासा इंजॉय करती है। ये काफी प्लेजरेबल होती है, शायद लोग करते हो इसे या ना करते हो, कभी करके देखिए, इसमें भी काफी इंजॉयमेंट फील होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, केवल लेटी हुई है और रिसीविंग मोड पे है तो आप उसके ऊपर अपना पूरा वजन धर मत देना, मतलब ऐसा झुक के उसके ऊपर पूरा वजन लेके चढ़ मत जाना, वरना वो प्लेजर मिस कर देगी और असहज महसूस होगी, झटक देगी आपको, कहेगी मुझे नहीं करना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसके लिए असहज मत बनाइएगा, वो लेजी पोजीशन है, रिलैक्स मोड में लेटी हुई है, तो अपने वजन को आपको पूरा उसके ऊपर नहीं डालना है, राइट, करना आपको पीछे से ही है, चाहे तो थोड़ा सा उसके बम को ऊपर उठाने के लिए नीचे पैल्विक मसल्स की तरफ, वजाइना की वो जो एरिया होता है उधर आप पिल्लो रख सकते हो, ताकि जो उसका जो बैक है, जो उसका बम है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाए और आपके लिए इजी हो, लेकिन ऊपर मत चढ़ जाना उसके, बिल्कुल ध्यान रखिए। नाउ थर्ड वेरिएशन इज स्टैंडिंग डॉगी पोजीशन। इस पोजीशन में दोनों ही मेल और फीमेल खड़े हुए होते हैं, जो फीमेल पार्टनर होती है वो वॉल का सहारा लेके ऐसी वॉल को इस तरह से पुश करती है और पीछे की तरफ अपने हिस्से को पीछे की तरफ उठा लेती है, और जो मेल पार्टनर होता है वो उसे पीछे से आके डॉगी पोजीशन की तरह ही उसके उसको मतलब हग करके ऐसे पीछे से और पेनिट्रेट करता है।
कोई लड़की वॉल का भी सहारा ले सकती है, कुर्सी की हैंडल जो होते हैं उसका भी सहारा लेके ऐसे पीछे से खड़ी हो सकती है, या फिर जो डोर है डोर को भी ऐसे पुश करके पीछे की तरफ अपने बम को उठाकर स्टैंडिंग पोजीशन में इस डॉगी पोजीशन का मजा उठा सकती है। ये पोजीशन अगर आप शॉवर सेक्स करने में इंटरेस्टेड है, मतलब शॉवर चल रहा है और नीचे आप नहाते हुए एक दूसरे के साथ उस सेक्स को इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि इस शॉवर सेक्स के दौरान ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हुआ नहीं जाता, क्योंकि साबुन के वजह से फिसलने विसलने के, पानी की वजह से स्लिपरी सारा मूवमेंट होता है तो फिसलने के चांसेस बने रहते हैं, तो खड़े खड़े ही पोजीशन ट्राई की जाती है, तो ये बहुत बेस्ट पोजीशन हो सकती है आपके लिए। नाउ फोर्थ वेरिएशन एंड लास्ट वेरिएशन, फ्रॉगी पोजीशन। फ्रॉग को तो आपने देखा ही है कैसा होता है, ऐसे यूं एल्बो की तरह यूं होते हैं उसके हाथ, और पीछे जो पैर होते हैं वो घुटनों के बल ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा फैलाए हुए होते हैं, ऐसे देखना आप फ्रॉग को। तो उसकी जो पोजीशन होती है वो मॉडिफाई वर्जन है डॉगी पोजीशन का। मॉडिफाई वर्जन क्यों है डॉगी पोजीशन का, और फीमेल को बहुत ज्यादा पसंद होती है ये पोजीशन, लेकिन क्यों? क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि बढ़ती हुई उम्र के साथ एक फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पहले जैसी नहीं रहती, स्टेमिना भी कम हो जाता है, और झटके इतने बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं रहती, वजाइनल ओपनिंग में भी चेंजेस आ जाते हैं, पहले की तरह वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर नहीं रहती, वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लुब्रिकेंट भी पहले जैसा अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी महिलाएं जो कि 40 का आंकड़ा पार कर जाती हैं और फिर बचने लग जाती हैं डॉगी स्टाइल पोजिशन से, कि यार उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ट्राई दिस वन फ्रॉगी स्टाइल, कम्फर्ट ही कम्फर्ट है जी। डॉगी स्टाइल पोजीशन की एक सबसे खास बात है कि मिशनरी पोजीशन की तरह ये पोजीशन भी सब कपल में फिट हो जाती है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़का ज्यादा लंबा है या लड़की ज्यादा छोटी है हाइट में, ना इससे फर्क पड़ता कि लड़का मोटा है और लड़की ज्यादा मोटी है या पतली है, क्योंकि इसमें स्किन टू स्किन तो कॉन्टेक्ट होता ही नहीं है ना, इसलिए सभी कपल में फिट हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 वेरिएशन बताई डॉगी स्टाइल की, बदल बदल कर ट्राई कीजिए और मजा उठाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।